నెమ్మదిగా చేర్తనని నెల రోజుల ముందే ఆదయ స్వామీ రమయ్యప్ప స్వామీ సజ్జనం స్వామి సనం స్వామి మేరా నా మనీష్ ఆప్ దేఖ్ రహే సూర్యం సే బ్లాగ్ ఏ పూరే హమారే స్వామి ఆయ్ वेलकम टू माई चॉल एंड प्रेजेंट अपन का नाथ रात का हॉल्ट हो गया माता रानी का मंदिर था। अभी प्रेजेंट अपन निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अभी जा रहे से हॉल्ट आया कि हनुमान जी का मंदिर है तो लंच वगैरह अपन का सब वहीं है। यहाँ से 16 किलोमीटर कुछ है बोल के बोल रहे तो मैं वहाँ पर गैवा डालता हूँ। मैं सामने का जो नेचर अब जा रहे से रस्ता है ना एकदम जबरदस्त नेचर है तो वो भी वीडियोज डालता मैं स्वामी शरण में आपको। तो देखो स्वामी यही पूरा लोकेशन है, इसके बिल्कुल सामने अपन का रात का हॉल्ट है मंदिर माता का। प्रेजेंट अपन निकल रहे हैं, अपन को लेट हो गया आज तो ज़्यादा दूर नहीं है ना, 15-16 से बोल के अपन भी जरा लाइट लेके उठे तो उतना जल्दी उठे, लेकिन निकलना टाइम पास कर लेते हैं। निकल रहे स्वामी सुबह ने तो मैं आगे डालता हूँ अपा स्वामी शरण में अपा स्वामी शरण स्वामी प्रेजेंट अपन सैट हो गए। 10 मिनट हो रहा लेकिन बारिश गिरने से रुकना पड़ा हमारे को, दबा के गिरी बारिश पूरे स्वामी ठहर गए यहाँ पर बारिश की वजह से। तो बारिश रुकने के देने निकलेंगे अपा अपन स्वामी शरण में अपा स्वामी शरण स्वामी। जो आप नेचर देख रहे हैं ना इसके बारे में बोला था मैं, ये कुछ भी नहीं है आगे आपको और जबरदस्त रहता। अभी अपन शुरू हुए, बारिश अभी भी थोड़ा लाइट गिर रहा लेकिन प्रेजेंट अपन आगे जाके निकलेंगे सामने हॉल्ट में रुकेंगे चाय वगैरह पीएंगे बोल के निकले अपन विंटर। तो मैं आगे डालता हूँ अपा स्वामी शरण में अपा प्रेजेंट है अपन शुरू करके ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो रहा। प्रेजेंट अभी चाय के लिए रुक रहे थे अपन के स्वामी यहाँ बैठे थे चाय के पास, तो चाय पी के निकलेंगे अपन। वेदर देखो और कुछ भी नहीं आगे और जबरदस्त वेदर रहता, आपको सामने रोड दिख रहा सर स्नेक टाइप का रोड रहता जिगजैग रोड, तो वहाँ भी डालता हूँ अपा स्वामी शरण में अपा। ये हमारे स्वामी पर छाया वगैरह पी रहे स्वामी सनम स्वामी आगे डालता हूँ स्वामी सनम स्वामी। प्रेजेंट अपन छाया वगैरह पी लिए निकले, बारिश तो हो रही लाइट बारिश हो रही, इतना तेज बारिश तो नहीं है, पूरा सामने पूरा मंचू मंचू है वो तो पूरा सपना में रोड पर भी क्लियर नहीं दिख रहा, तो देखेंगे कितनी दूर तक बारिश गिरता। 3 गुज का कुछ तूफान का है बोल के बोल रहे तो तूफान हो गए बाद देखेंगे स्वामी सनम। तो देखो स्वामी फुल ग्रीनरी रहता हमारा समय ठहरा हमारे लिए फुल ग्रीनरी रहता। अभी हम वो पहाड़ था वो पार करके आ गए अपन, तो हमारा ब्रूस लिए ये देखो पूरा ग्रीनरी। और यहाँ से एक 7 किलोमीटर है समझ लो मैं हॉल्ट अपन का, तो वहाँ गए वहाँ निकालेंगे सामने उदय स्वामी चल रहा है हमारा ब्रूस स्वामी आ गया बोलो मगर मेरा चेहरा दिख रहा नहीं छुप पीछे ना स्वामी सनम स्वामी। प्रेजेंट आया कि अपन सुनकालम्मा टेम्पल के पास है, 250 साल जो है ना यही हॉल्ट था हमारा, लेकिन यहाँ से ये नजू के बोल के 5 किलोमीटर और आगे हमारा पुराना हॉल्ट वो तो नया हॉल्ट 5 किलोमीटर जाने का है। तो यहाँ पर माता का दर्शन कर लेके अपन निकलेंगे अपन, हमारे स्वामी यहाँ पैरा हाथा धोरे बोरिंग के सामने तो दर्शन कर लेके निकलेंगे अपन स्वामी सनम। प्रेजेंट स्वामी अपन का दर्शन हो गया, प्रेजेंट अपन निकल रहे हैं तो मैं हॉल्ट को गए बता तो मैं अपा स्वामी शरण में अपा। मंदिर तो बहुत अच्छी मंदिर है स्वामी सनम स्वामी। प्रेजेंट अपन हॉल के नजदीक में बोलते हैं 3-4 किलोमीटर रहता यहाँ पर मेन क्या हो गया बोलते सुबह के की दबा के बारिश हुई आपके की दबा के धूप मारी पसीना पसीना हो जा रहे हम चलते चलते, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है 3 किलोमीटर बोलते हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का रास्ता है। यहाँ पर ग्रीनरी भी अच्छा है, गाँव के अंदर आए हम तो पुराना हॉल तो मैं आपको दिखाया था वो हॉल नहीं है बोल के अपन वहाँ से लेफ्ट मार के सॉरी राइट मार के अंदर आए उसके गाँव के अंदर, तो यहाँ पर भी ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है वो भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार स्वामी सरनम देखो स्वामी ग्रीनरी पूरे खेता वगैरह है। कल कैसा यहाँ पर भी बिरके वगैरह झाड़ा थे लेकिन हम नहीं तोड़े क्यों वो तो फके सो नहीं थे उसके अंदर पूरे नॉर्मल थे, फके से रहे तो थोड़े थे पक्का। ठीक है आपा मैं आगे हॉल को गए बताता हूँ स्वामी सरनम स्वामी सरनम स्वामी। प्रेजेंट हॉल के नजदीक में आगे जो आपको सामने टेंटा दिख रहे ना वही हॉल्ट है, यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है पूरे पहाड़ा वगैरह फुल ग्रीनरी है। जो आपको टेंट दिख रहा ना आगे वही टेंट है, मंदिर दिख रहा छोटा मोटा वही है, तो इधर भी देखो आप ग्रीनरी पहाड़ा वगैरह वो जबरदस्त है। तो मैं हॉल्ट के नजदीक दिखाए बाद डालता हूँ यहाँ पर स्वामी सरनम। तो अपा आगे अपन हॉल्ट को ये है हॉल्ट अपन का, ये नया रेलवे स्टेशन बन रहा बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पर गुत्ती रेलवे स्टेशन समझ तुम आए तो नाम इसका पक्का नहीं मालूम। ये अपन के सामने रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग तो वो जान लो। फिर मैं गाड़ी हमारे से सामने से तो नहीं आया, कहाँ से आएगी गाड़ी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है यहाँ पर एक स्वामी सुन प्रेजेंट स्वामी यही हॉल्ट था अपन का, हॉल्ट हो गया या मंदिर था हनुमान जी का हॉल्ट वगैरह हो गया। प्रेजेंट निकल रहे हैं अपन, ये हमारे दो स्वामी यहाँ रुके सो यहाँ पर और हमारे स्वामी सामने भाग रहे
तो रात का हॉल्ट आया कि ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है, मार मार के एक 12-13 किलोमीटर रहता हाईवे से जाने का है सब। तो देखेंगे दत्तात्रेय स्वामी का टेम्पल बोल के बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ गए बात डालता हूँ और सामने भी अच्छा कुछ नेचर दिया तो डालता हूँ स्वामी शरण में। तो ऐप अपन स्टार्ट हो गए करेक्ट एक 10 मिनट हो रहा सब पार करके आगे अपन के स्वामी आ रहे हैं। यहाँ पर नेचर का जो है ना वो जबरदस्त नेचर है, तो उसके लिए मैं डाल रहा हूँ आपको। और बादल भी देखो बहुत नहीं बोल सकते, बारिश कब हो सकता है तो हिसाब से पक्का भी नहीं बोल सकते अपन, बारिश होता नहीं होता, बारिश का क्या भरोसा नहीं है। आप मैं देखे थे आप सुबह के वीडियो में, वो तो हम सुबह के 12 बजे के हॉल्ट आते हैं, बारिश हो रही थी वो एक नजुक में आगे 5 करोड़ में हो तो फिर धूप भी मारना शुरू हो गई थी, वो दबा के धूप भी थी, तो बारिश का तो कुछ नहीं बोल सकते, बारिश आएगा नहीं आएगा। तो अपन के शिफ्ट में अपन रहना, तो अपन सामने जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे, रेनकोट वगैरह खरीद लेंगे, मार्केट रही हो तो, नहीं मार्केट नहीं हो तो फिर देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है अपन मैं आगे डालता हूँ स्वामी शरणम स्वामी, स्वामी शरणम स्वामी प्रेजेंट। अपन निकल के ऑलमोस्ट थ्री आवर्स हो गया, 3 आवर्स पार करा, 2:30 को अपन निकले थे, अभी 5:30 हो रहा। सामने अपन को टोल प्लाजा आ रहा, टोल प्लाजा के और 2 किलोमीटर है हमारा हॉल्ट है, दत्तात्रेय स्वामी का टेम्पल बोल के बोला था ना वो टेम्पल को जाने का है। हमारा पुराना हॉल जो था ना यहाँ पर पीछे बहुत बड़ा कॉलेज था, वो कॉलेज में था हमारा पुराना हॉल्ट, प्रेजेंट कॉलेज नहीं दिया था हमारे स्वामियों को, तो उसके लिए आगे अपन जा रहे मंदिर में। मंदिर का क्या थोड़ा अलग रहता है साहब, तो उसके लिए मंदिर जा रहे अपन दत्तात्रेय स्वामी का, तो मैं वहाँ डाल तो मैं आपा स्वामी शरण में आपा स्वामी शरण स्वामी प्रेजेंट। अपन हॉल्ट को आगे नजुक में जो आपको रिलायंस का पेट्रोल पम्प दिख रहा ना, वहाँ से थोड़ा आके आप लेफ्ट मारे तो अंदर है दत्तात्रेय स्वामी का मंदिर, प्रेजेंट अंदर आ गया, क्लियर नहीं दिख रहा। स्वामी शरण स्वामी प्रेजेंट हॉल्ट को आ गया अपन, ये जो आपको रिलायंस का पेट्रोल पम्प दिख रहा ना वहाँ से थोड़ा 100 मीटर आके लेफ्ट मारे तो अपन पेट्रोल अंदर दत्तात्रेय स्वामी का मंदिर है, जो आपको पूरा ग्रीनरी दिख रहा ना, एकदम पूरा ग्रीनरी के बीच में मंदिर है, जबरदस्त दिख रहा मंदिर आगे बहुत आगे, मेरे ख्याल से यहाँ से एक 400 मीटर रहता, तो मैं वहाँ पर नज्जू के बाद डालता मैं आपको से को यार पूरा कुत्ता सा में डरा दिया मेरे स्वामी शरण। ठीक है आप मंदिर के नज्जू आ गए, ये पूरे जाड़ा दिख रहा ना, मैं फूलों के समझ रहा था लेकिन ये फूलों के जाड़ा नहीं होते, ये कॉटन का जाड़ है, जो मैं परसों दिखाया था ना आपको कॉटन बनाते जो उसका है, रुई बोलते हैं ना उसके जाड़ा है पूरे, वहाँ के आगे में किसमें भी रुई नहीं था, तो मैं फूलों का जाड़ समझूँ। ये हमारा ब्रुश किसा एक साइकिल लेकर आ रहा, ये अपन का गाड़ी, ये मंदिर में मंदिर अंदर से दिखा देता हूँ मैं स्वामी शरणम। तो ये अपन का हॉल में गया है स्वामी, जो ये दिख रहा सब यही हॉल्ट है अपन को, बहुत छोटा है, स्वामी को सुने मुश्किल हो रहा। तो ये मंदिर है अपन को दत्तात्रेय स्वामी मंदिर है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ एक बार, ये छे स्वामी अपन का मंदिर स्वामी शरणम स्वामी प्रेजेंट। अपन नाइट हॉल्ट को आगे दत्तात्रेय स्वामी का टेम्पल आपको दिखाना वही हॉल्ट है, इसमें माइनस पॉइंट क्या है बोल दो, बाहर बहुत खुला प्लेस है लेकिन बाहर सोने के लिए ऑप्शन नहीं है हमारे को, बारिश गिर रहा तो अंदर सो जा रहे अपन, अंदर क्या उतना प्लेस नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा, थोड़ा पजम पसी हो गया, परवाने सो जाए स्वामी यहाँ सेट हो गए, प्रेजेंट घुसली में ये छोटी गली में सो रहे। तो ठीक है अपा स्वामी शरणम सुजनम को फिर कल नया नया वीडियो डालते मैं सुजनम गुड नाइट है अपा स्वामी शरणम।